अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 137। और आज के लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक सिंपल हैमर विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट एंड अदर कमांड्स। आज के लेसन में हम एक सिंपल हैमर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स और देखते हैं कि हैमर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, रेक्टेंगल लिख लूंगा, आर इसी एंटर, 10 का मैं एक रेक्टेंगल देता हूँ, बल्कि आर ई सी एंटर एंटर एट द रेट ऑफ 20,20 एंटर। ओके, अब मैं इसको यहाँ से इस व्यू में लेके जाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ इसको मैं, और एक्सट्रूड में देता हूँ उसको 20। ओके, अब इसको मैं यहाँ से ये जो इसको मैं ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड व्यू में मैं इसको लेके आता हूँ, यहाँ से कस्टम में जाके मैं इसको लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको 2D वायरफ्रेम में क्लिक करता हूँ, एल एंटर करता हूँ मिड पॉइंट से, और यहां से भी एल एंटर करूंगा, सी एंटर करता हूँ सर्कल के लिए, और यहां से इतना कुछ मैं इसको सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा यहां से मैं, और वो भी यहां तक इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं। ओके, एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा यहां तक। ओके, काम कर लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और अब मैं इसको यहां से इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, और इसके बाद मैं यहां पे ओके, अब मैं यहां से इसको दोबारा 3D व्यू में लेके जाता हूँ, 3D व्यू में आ गया, और अब मैंने इसको क्या करना है कि मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा, और 3D व्यू में मैं यहाँ से मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, टॉप के 3D व्यू में लाना चाह रहा हूँ मैं इसको, क्लिक करूँगा तो 3D में आ जाऊँगा। ओके, अब इसको मैं मूव करूँगा, मूव करने के लिए मैं यहाँ से यही व्यू लेता हूँ, लेफ्ट व्यू लेता हूँ, मूव करता हूँ एम एंटर, सबसे पहले इसको मूव करूँगा और इसको सेंटर पॉइंट से मूव करूंगा आगे की तरफ। एम एंटर, पॉइंट से मूव करता हूँ, ओके, फिर एम एंटर, पॉइंट से मूव करता हूँ, ओके, फिर मूव करूंगा इसको, थोड़ा सा ही मूव करूंगा आगे। ओके, यहाँ तक मूव हो गया जी, सही है। अब यहाँ से लॉफ्ट कमांड अप्लाई करूँगा, लॉफ्ट कमांड के लिए LOFT लिखेंगे आप, या फिर आप डायरेक्ट लॉफ्ट कमांड अप्लाई कर लें, तो मैं यहाँ से LOFT लिखता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लॉफ्ट कमांड अप्लाई करता हूँ यहाँ से, स्पेस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा कुछ फर्क है, वो फर्क देखने की क्या है, थोड़ा सा मूव करता हूँ इसको मैं, एम एंटर, थोड़ा सा आगे, एम एंटर, थोड़ा सा आगे इसको भी, और एम एंटर, थोड़ा सा आगे इसको भी,
अब लॉफ्ट कमांड अप्लाई करता हूँ, लॉफ्ट कमांड, ओके यहाँ तक लॉफ्ट कमांड अप्लाई होगी। और अब मैं इसको यहाँ से फ्रंट व्यू में लेके आता हूँ, फ्रंट व्यू में आ गए, और ऑफसेट लेता हूँ इसका मैं, ओके टॉप से यहाँ से फ्रंट व्यू में आता हूँ, और यहाँ से मैं इसको फिलेट कमांड अप्लाई करता हूँ, एफ इंटर। एफ इंटर, आर इंटर, रेडियस में नहीं, फिलेट रेडियस को देता हूँ 2 1, और यहाँ से इसको फिलेट अप्लाई करता हूँ। ओके फिलेट भी हो गया, सही है। अब यहाँ तक कि कंप्लीट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और अब मैं इसको दोबारा यहाँ से फ्रंट में लेके आता हूँ, ओके, और अब यहाँ से मैं एक आर ड्रॉ करूँगा, ए इंटर, इस कॉर्नर से आप इस कॉर्नर तक मैं कार ड्रॉ करता हूँ, ओके, फिर आर ए एंटर, तो यहाँ तक लेके आता हूँ, और यहाँ तक लाता हूँ, एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर एल इंटर करता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, जॉइन जे इंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे को, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से देखता हूँ इसको भी सिलेक्ट है, ठीक है जॉइन हो गया। और अब यहाँ से मैंने जो काम करना है वो ये करना है कि मैं यहाँ से दोबारा इसको इस व्यू में लेके आता हूँ, और इसको प्रेस पुल कमांड की वजह से मूव करता हूँ, या फिर एक्सट्रूड कमांड की वजह से मैं इसको मूव करता हूँ। ओके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं एक और काम करूँगा कि इसको मैं यहाँ से टॉप व्यू में लेके आता हूँ, टॉप व्यू में आ गए, और टॉप व्यू में लाने के बाद जो काम करूँगा मैं, थोड़ा सा मूव करके मैं देखता हूँ, यस टॉप व्यू में इसको लाता हूँ, टॉप व्यू में लाता हूँ, और अब यहाँ से काम करूँगा कि मैं इसको एल एंटर करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, ओके एल एंटर करता हूँ, और यहाँ से मिरर कमांड अप्लाई करूँगा, एम आई सिलेक्ट करता हूँ इसको, और इसके मिड पॉइंट से यहाँ से मिरर कमांड अप्लाई करता हूँ F8 प्रेस करके, ओके मिरर कमांड के बाद अब स्लाइस कमांड यहाँ से लूँगा, देखिए स्लाइस कमांड में क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्लाइस कमांड पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, और स्लाइस कमांड यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पॉइंट तक स्लाइस कमांड लेता हूँ मैं, फिर स्लाइस कमांड अप्लाई करूँगा, सिलेक्ट करता हूँ, और इस कॉर्नर से लेके यहाँ पे इस कॉर्नर तक स्लाइस कमांड अप्लाई करूंगा, ओके अब यहाँ से इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, पहले इसको मैं डिलीट कर लूँ क्योंकि दूसरे पे स्लाइस कमांड सही अप्लाई नहीं हुई, डिलीट कर लिया, इस पे अप्लाई नहीं हुई सही तरह से स्लाइस कमांड, सॉरी, डिलीट कर लूँ, फिर स्लाइस कमांड लेता हूँ यहाँ से,
यहाँ तक, और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। और अब मैं काम करूँगा कि मैं यहाँ से इस कॉर्नर से मैं एक एल एंटर करता हूँ। ओके, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, फिर प्रेस करता हूँ, बल्कि मिड पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, एल एंटर। मिड पॉइंट लिया, फिर एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, मिरर करता हूँ इसको एम आई सेलेक्ट, और इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक मिरर करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे भी स्लाइस कमांड अप्लाई करूँगा, और स्लाइस कमांड के लिए यहाँ से स्लाइस पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से लेके इस एरिया तक इसको स्लाइस करता हूँ। फिर यहाँ पे स्लाइस कमांड अप्लाई करूँगा, स्लाइस कमांड, सारे को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ओके, बीच वाला हिस्सा जो, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे स्लाइस कमांड भी अप्लाई होगी। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, देखें जरा आप, और इसको मैं यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो काम करना है वो ये है कि मैं इसको यहाँ से इस कॉर्नर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, इसको मैं यहाँ से 2D वायर फ्रेम लेके जाता हूँ, सी एंटर, एल एंटर करता हूँ, बल्कि यहाँ से देखते हैं, सी एंटर इसके मिड पॉइंट से। ओके, और अब मैं इसको यहाँ से जब मूव करूँगा प्रेस पुल कमांड की मदद से, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं लेयर में जाता हूँ और दो लेयर ड्रॉ करता हूँ, लेयर वन, लेयर वन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको उठाता हूँ और इसको पहले क्लोज करता हूँ लेयर को, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से लेयर टू में लेके जाता हूँ इसको, लेयर वन में, और अब मैं इसको रियलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ और देखता हूँ।
इस लाइन को डिलीट करता हूँ यहाँ से, दोबारा इसको इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ, प्रेस पुल कमांड से इसको प्रेस पुल करता हूँ। ट्वेंटी या टेन, टेन था आई थिंक। एक स्टोरी कर लेते हैं इसको। ओके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और इसको अब मैं देखता हूँ यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में। सही है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा और, प्रेस पुल थोड़ा सा और करता हूँ। कंट्रोल सेट स्टोर करता हूँ इसको भी। यहाँ से ये नहीं होगा तो इसको एक्सट्रूड फेसेस अप कर लें, इस बटन पे क्लिक करें, एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करें, ये फेस है इसको आप एक्सट्रूड कर लें यहाँ से। ओके आप प्रेस पुल कमांड से इसको थोड़ा सा मूव कर दें। सही, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि आप यहाँ से भी इसको प्रेस पुल कमांड की मदद से मूव करें, या फिर आप इसको एक्सट्रूड फेसेस की मदद से देखें। तो हमारे पास एक हैमर रेडी हो गया, और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बढ़े तो प्रेस पुल कमांड की मदद से इसका थोड़ा साइज कम कर दें। ओके तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। आप और भी इस पर काम करना चाहें तो आप यहाँ पे इस पर और भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट। और अगर आप और भी काम करना चाहें और काम कर सकते हैं, तो और काम करने के लिए क्या है, इसको आप टॉप व्यू में आप आ गए हमारे पास, इसको आप फ्रंट व्यू में लेके जाएँ, बल्कि राइट व्यू में देखता हूँ। फ्रंट व्यू, यहाँ से इस पर आप और भी काम करना चाहें तो आप और भी काम कर सकते हैं। क्या तरीका है इसका कि आप यहाँ से इसको रेक्टेंगल लेता हूँ, एक आर ई सी एंटर, ओके, और अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ, प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, यहाँ तक प्रेस पुल कमांड, यहाँ तक। ओके इसको मूव करें थोड़ा सा ऊपर, मूव हो गया, इसको डिलीट करता हूँ। और अब यहाँ पे आप क्या करें जी, इसी इसको भी कलर वही दें, इसको भी लेयर उसी लेयर में ले जाएं, सिलेक्ट करें और इसको भी लेयर वन में लेके जाएं, लेकिन इसको यहाँ से अब क्या करें, फिलेट कर लें, एफ इंटर, रेडियस के लिए आर इंटर वन, और इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करें,
रेडियस दे दें सारी चारों साइडों से। देखिए आपका एक हैमर तैयार हो गया, देख सकते हैं। कलर चेंज करना है, अपनी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं, और जो जो काम करना है आप यहाँ से कर सकते हैं काम। और यहाँ से मैं इसके टॉप पे में से लेके जाता हूँ, और इसको यहाँ से मैं इस व्यू में लेके आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं इसको आप। अगर आपने आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी काम करना है आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक और काम करता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ से सॉलिड सॉलिड यूनियन कर लेता हूँ, कलर दोनों का एक जैसा हो जाएगा। ओके, सबका कलर एक जैसा हो गया। मटेरियल अप्लाई करना है आप यहाँ पे मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं। तो मटेरियल अप्लाई करना है आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई भी कर सकते हैं। आर ओ रोटेट करता हूँ, 3D आर ओ टी एंटर। ओके, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है। तो मटेरियल के लिए आप यहाँ पे जाएं, विलाइज पे क्लिक करें, और यहाँ से आप मटेरियल अप्लाई करना चाहें तो आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ये मटेरियल है, मटेरियल ब्राउज़र है, इस बटन पे क्लिक करें, मटेरियल सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक करता हूँ, मटेरियल लेता हूँ यहाँ पे, और इसके लिए मटेरियल जो होगा वो मेटल होगा। यहाँ से मेटल मटेरियल अप्लाई करके इसके ऊपर लगा दें, देख सकते हैं मेटल का मटेरियल यहाँ पे इसके ऊपर लग गया। देखिए तो आप यहाँ से मटेरियल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको मटेरियल अप्लाई करना है। तो ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।